दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम फोल्डेबल डाइनिंग टेबल देखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनाया हुआ है फोल्डेबल डाइनिंग टेबल का। और देखिए इस तरीके का डिजाइन है, देखिए इतना पतला है, यहाँ पे ये बॉक्स की तरह पैक हो जाता है। देखिए इसको ओपन करना भी बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ से आपको इसको लकड़ी का ये जो ढांचा है इसको खींचना है, नीचे से ये वाला ओपन करना है। देखिए ये हिस्सा ये ओपन हो गया और इस तरीके से इसको छोड़ देना है तो रह गया। देखिए ये हाफ डाइनिंग टेबल रेडी हो गया है। अब दूसरा साइड इसको ओपन करना है, इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे का जो ये हिस्सा है इसको नॉर्मली लकड़ी के हिस्से को ओपन करना है। देखिए तो ये पूरा डाइनिंग टेबल बन के रेडी हो गया है। देखिए इसका जो साइज़ है वो है 5x3 का साइज़ है, 5 feet by 3 feet का। और इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 30 inch का है। तो फोल्डेबल डाइनिंग टेबल वुडन से बना हुआ, बेस्ट इन क्लास क्वालिटी दिख रहा है। तो फोल्डेबल डाइनिंग टेबल अगर आपके घर के अंदर स्पेस कम है वहाँ पे आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे। दोस्तों इसके साथ अलग अलग वुडन चेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली यहाँ पे वुडन चेयर हमने रखी है, इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ चेयर रहते हैं वुडन के अंदर। तो इसके साथ आप कॉम्बिनेशन के अंदर वुडन चेयर रख सकते हो। अगर आपको चेयर रखना ही नहीं है और इस तरीके से नॉर्मल टेबल को इस तरीके से यूज़ करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इजी टू फोल्ड है। अब इसको वापस फोल्ड करके मैं दिखाता हूँ। देखिए ये नॉर्मली दो बंदे चाहिए अगर आपको इसे क्लोज करना है तो। देखिए एक बंदा ये ऊपर का ढांचा पकड़ेगा, बाद में इसको हम छोड़ देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हैंडल भी है, देखिए दूसरी साइड भी सेम है। इसको क्लोज करना है और फिर इसको छोड़ देना। देखिए ये पूरा पैक हो गया है। तो अगर दो बंदे को उठा के इसको ले जाना है तो भी आप इसको आराम से कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो। देखिए तो ये लकड़ी का बना हुआ डाइनिंग टेबल था, बेस्ट डिज़ाइन बनाया हुआ है और फोल्डेबल है। दोस्तों इस फोल्डिंग डाइनिंग टेबल के अंदर जो लकड़ी यूज़ की है वो है टिकवुड यूज़ किया है। और इसका अगर कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट 18,000 rupees के आसपास है। टिकवुड है तो थोड़ा कॉस्टली है मगर इनोवेटिव आइडिया से बनाया हुआ है, फोल्डेबल है, कम स्पेस है तो आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक नंबर दे दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो।